क्या केजीएफ यूनिवर्स को टक्कर देगा लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स? ऐसे तीन रीजंस जो ये साबित कर रहे हैं कि रॉकी भाई जिंदा है। आजकल इंडियन सिनेमा में काफी सारे यूनिवर्स बन रहे हैं, फिर वो कॉप यूनिवर्स हो, केजीएफ यूनिवर्स हो, एलसीयू हो, पाई यूनिवर्स हो या फिर हॉरर यूनिवर्स हो, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा ट्रेंडी है प्रशांत नील का केजीएफ यूनिवर्स, जिसे कोई टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन साउथ इंडियन फिल्मों का ही एलसीयू यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स ऐसे फिल्म सीरीज है जो केजीएफ को टक्कर दे सकती है, क्योंकि एलसीयू से ही तो यूनिवर्स बनने की शुरुआत हुई थी। एलसीयू मतलब साउथ फिल्मेकर लोकेश कनगराज की एक्शन थ्रिलर फिल्म का सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें क्याथी और विक्रम आ चुकी है, थलापति विजय की लियो आने वाली है। इस यूनिवर्स ने अब तक 600 करोड़ की कमाई कर ली है, जो केजीएफ से तो कम है लेकिन बाकी सारे यूनिवर्स से काफी ज्यादा है। इन फिल्म सीरीज की फिल्मों के एक दूसरे के साथ सॉलिड कनेक्शन को देखकर ही फैंस इसकी आने वाली फिल्म लियो के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, जबकि अभी केजीएफ के फैंस इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज है कि प्रभास की सालार केजीएफ यूनिवर्स का हिस्सा है या फिर नहीं। इन दोनों ही फिल्म सीरीज को एक साथ टकराते हुए देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, साथ ही साथ ऑडियंस को टोटली एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, केजीएफ 2 के लास्ट सीन में जब सबने रॉकी भाई को पानी में सोने के साथ डूबते हुए देखा, तब सबको यही लगा कि रॉकी इज डेड। लेकिन फिर पोस्ट क्रेडिट सीन्स में जब केजीएफ 3 की हिंट मिली, उस पर से इतना तो तय हो गया कि रॉकी इज कमिंग। लेकिन कैसे, रॉकी तो मर चुका है ना? पर ऐसे कई सारे रीजंस हैं जो ये साबित करते हैं कि रॉकी मरा नहीं है। सबसे पहले तो अगर रॉकी मर गया होता तो फिर प्रशांत नील इसके तीसरे पार्ट का अनाउंसमेंट नहीं करते, क्योंकि अगर हीरो नहीं रहा तो फिर फिल्म का क्या मतलब। इसके साथ ही साथ हमने सिर्फ रॉकी को पानी में देखा, उसे कोई चोट नहीं लगी थी या फिर वो बुरी तरह से घायल भी नहीं था। साथ ही रमिका सिंह को रॉकी के इंटरनेशनल कारनामों की फाइल भी मिल चुकी थी, और हमने दो सबमरीन्स को देखा था जिसमें से एक जिमी कार्टर की ही होगी जो रॉकी को बचा लेगा, साथ ही रॉकी आर्मी में भी डील कर रहा था। तो पॉसिबल है कि वो सभी रमिका सेन के साथ नहीं बल्कि रॉकी के साथ हो। रीना की मौत के बाद रॉकी को जीने की इच्छा तो थी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया जानती थी कि रॉकी क्या कर सकता है, तो उसका कोई पुराना दोस्त या फिर दुश्मन उसे बचाने के लिए आ सकता है, क्योंकि मरे हुए रॉकी से जिंदा रॉकी ज्यादा काम का है। तो ये सारे रीजंस तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि रॉकी अभी भी जिंदा है। तो आपको क्या लगता है, क्या होगा केजीएफ 3 में, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।